नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के काफिले को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका। भूपेश ने कहा, गाड़ी रोकी और धक्का मुक्की भी की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने भिलाई 3 निवास से निकलकर दुर्ग की ओर आ रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोककर जबरदस्त नारेबाजी की, जिसके बाद भूपेश बघेल बहुत देर तक जाम में फंसे रहे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि जब वह सिरसा गेट चौक पहुंचे, तो अचानक कुछ लोग सड़क पर आ गए और उनका रास्ता रोक दिया। गाड़ी रोकने के बाद नारेबाजी भी की गई और मेरे सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। दो बार मुझे भी गाड़ी से उतरना पड़ा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुझसे बदतमीजी भी की। मेरे पीछे वाली गाड़ी को तो रोक लिया। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन ने मुझे सुरक्षा दी है, उसमें भारी सेंध लगाई गई। यह टारगेट करके कि मैं यहाँ ना आ सकूं, इसीलिए वह लोग मुझे रोक रहे थे। सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि चक्का जाम की सूचना पहले से दे दी जाती है। यदि चक्का जाम की स्थिति थी तो हमें पहले से बता दिया जाता था, तो अब दूसरे मार्ग से आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मेरी गाड़ी का सायरन बजा, सभी लोग आ गए। एक प्रकार से उन्होंने बदतमीजी भी की और मेरी सुरक्षा अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग निरखुश हो चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार और प्रशासन मौन होकर देख रही है। रिपोर्टर ध्रुव जायसवाल। चौक में थे, सिरसा गेट चौक पे, अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे जो सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने जो दिया है उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। दो बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा और बदतमीजी भी कर रहे थे और पीछे वाले गाड़ी को तो रोक ही लिए। तो इस प्रकार से शासन जो सुरक्षा दी है उसमें भारी सेंध, और यही सत्ता पक्ष के लोग जो बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे, उनके द्वारा कल शायद भिलाईती में कोई घटना घटी थी और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई, क्या मुझे क्यों बोल रहे हो। मुख्य बात ये है, और ये टारगेट करके मैं यहाँ ना आ सकूं इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। यदि वहाँ चक्का जाम की सूचना पहले से थी, पहले चक्का जाम होता प्रशासन हमको बता देते, सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी दूसरे रास्ते से लाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अचानक वो आया, जैसे मेरी गाड़ी की सायरन बजी, टारगेट की सायरन बजी, तत्काल वो आ गए। तो इस प्रकार से धक्का मुक्की भी किए, बदतमीजी भी किए और सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की की। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस प्रकार से निरंकुश होकर कुछ भी कर लेंगे, प्रशासन मौन होकर देख रही है। बिना सूचना के कोई चक्का जाम नहीं कर सकता। आज मैं जैसे सिरसा गेट चौक में पहुंचा, मेरी गाड़ी को रोक लिए, मेरे सुरक्षा कर्मी उतरे थे उनके साथ धक्का मुक्की किए गए, गाड़ी को रोक लिए गए, नाराबाजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं घटी है, इसका मत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।